सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भिवानी में मजार पर चले हथौड़े, ढाना रोड पर बने धार्मिक स्थल पर विवाद, बजरंग दल ने स्थापित की हनुमान की प्रतिमा, एसपी बोले जांच का विषय, हरियाणा के भिवानी में मंदिर या मजार के विवादों को हवा देने का प्रयास हुआ है। ढाना रोड के धार्मिक स्थल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें भगवानधारी युवक एक मजार को तोड़कर यहां पर राम भक्त हनुमान की प्रतिमा लगाते हुए नजर आया है। गौर करने वाली बात यह है कि जहां मजार पर हथौड़े चला रहे हैं, वहां मंदिर के उद्घाटन का बोर्ड लगा है, अंदर मजार कैसे है, एसपी इसकी जांच करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस को मामले से जुड़ी कई शिकायत नहीं मिली है। पहले भी हो चुका है विवाद। जानकारी के अनुसार भिवानी में ढाना रोड पर एक धार्मिक स्थल बना हुआ है। इसके मुख्य द्वार पर एक लगे बोर्ड पर लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण नंद किशोर शर्मा दत्तक पुत्र स्वर्गीय श्री फूलचंद शर्मा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती तारा देवी की याद में 1 अगस्त 2021 को कराया। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि अगर यह मंदिर है तो फिर अंदर मजार कहां से आ गई। कहा जा रहा है कि इस जगह को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। वीडियो में गुजरे जय श्री राम के नारे यहां के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे के बीच मजार सरीखे पत्थर पर हथौड़े बरसाते नजर आ रहे हैं। मजार तोड़ने के बाद यहां पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। वीडियो शनिवार को हनुमान जयंती का बताया जा रहा है। पुलिस इसकी जाँच कर रही है कि कहीं यह पूरा मामला जातीय उन्माद फैसले के लिए तो नहीं करा गया है। इसी के साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।